हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सिक्स क्लास का चैप्टर नंबर 7 और इसका नाम है फेयर प्ले। इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। आपके भी कोई बहुत अच्छे दोस्त होंगे, क्या आपको कभी लगता है कि वो गलत हैं? तब आपने क्या किया कि आप शांत रहे, या आपने अपने दोस्त को बताया कि आप गलत हो? ये कहानी भी उसी प्रकार से दो बहुत ही अच्छे दोस्तों की है और जिनके बीच में कोई गलतफहमी हो गई थी और वो एक दूसरे के दुश्मन बन गए, परंतु वास्तव में उनको अंत में जाके एहसास हुआ कि क्या सही है और क्या गलत। ये कहानी बहुत ही शानदार है, तो चलो करते हैं आज की शानदार वीडियो की शुरुआत। ये कहानी है दो पक्के दोस्तों की, जिनका नाम है जुम्मन शेख और अलगू चौधरी। ये दोनों दोस्त इतने अच्छे दोस्त थे कि वो एक दूसरे के बिना बिल्कुल भी नहीं रह पाते थे, और जब भी उन दोनों में से कोई एक व्यक्ति गांव से बाहर जाता तो दूसरा व्यक्ति उसके परिवार का इस तरह से ध्यान रखता जैसे उसका अपना ही परिवार हो। और इन दोनों का गांव में बहुत अधिक सम्मान था और सारे लोग इनकी दोस्ती की बातें किया करते थे और इनकी दोस्ती की मिसाल भी दिया करते थे। जुम्मन जो है उसकी एक बूढ़ी चाची है जिनके पास बहुत प्रॉपर्टी थी, और वो प्रॉपर्टी उन्होंने जुम्मन को दे दी इस बात को सोचकर कि जुम्मन जो है ये प्रॉपर्टी अपने पास रख लेगा और वह उस चाची की देखभाल करेगा। काफी समय तक सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा। जुम्मन और उसकी पत्नी अपनी चाची की देखभाल करते रहे, लेकिन धीरे धीरे माहौल खराब होता गया। जुम्मन भी अपने चाची के प्रति लापरवाह बन गया, जैसे उसकी पत्नी थी जो कि थोड़ा बहुत भी खाना जो चाची खाया करती थी उसे बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। और बूढ़ी चाची समझ गई थी कि अब मेरी इस घर में कोई जरूरत नहीं है। रोज वो अपमान को सहन कर जाती थी। कुछ समय तक ऐसा ही चलता रहा, लेकिन अंततः वह परेशान हो गई और उसने एक दिन जुम्मन से कहा, मेरे बेटे, अब मैं समझ गई हूँ कि तुम्हारे घर में मेरे लिए कोई जगह नहीं है। तुम एक काम करो, मुझे हर महीने कुछ पैसा दे दो ताकि मैं अपनी अलग से रसोई चला सकूं। तब जुम्मन ने कहा, मेरी पत्नी घर चलाना अच्छी तरीके से जानती है, आप धैर्यवान बनो, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जुम्मन के चेहरे पे कोई शर्म नहीं थी। अब चाची ने सोचा कि यह तो काम चलने वाला नहीं है और उसने कहा कि मैं तो पंचायत में जाऊंगी। कई दिनों तक चाची यहां वहां घूमती रही और गांव के लोगों से बातें करती रही, उनसे सलाह मांगती रही। कुछ लोगों ने उसको सहानुभूति दी, कुछ लोग उस पे हंसने लगे, और उसके साथ ही साथ कुछ लोगों ने ये भी कहा कि तुम अपने बच्चों के साथ में समझौता कर लो क्योंकि इसके अलावा कोई भी इलाज नहीं है। अंततः जुम्मन की चाची उसके सबसे अच्छे दोस्त अलगू चौधरी के पास आई और उससे कहा, बेटा, जुम्मन जो है वो तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त है, अब उसका व्यवहार मेरे प्रति ठीक नहीं है, अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं। तो अलगू ने कहा, चाची, आप तो जानते ही हो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, मैं उसके खिलाफ कैसे जा सकता हूं? तब चाची ने कहा, लेकिन बेटा, सच बात को बोलने में क्या हर्ज है? तुम्हें सच बात हमेशा बोलनी चाहिए, चाहे किसी को अच्छा लगे या न लगे। कल एक काम करना, तुम पंचायत में आ जाना और वहां सच बोल देना। अलगू ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन चाची की जो बातें हैं वो उसके कानों में गूंजती रही। अगले दिन पंचायत बैठ गई उसी पुराने बरगद के पेड़ के नीचे। जुम्मन भी वहां खड़ा था और चाची भी वहां खड़ी थी और अलगू चौधरी भी वहां खड़ा था। जुम्मन ने कहा, पंचों में भगवान का निवास होता है, इसलिए मेरी चाची को मैं कहता हूं कि वो किसी को भी अपना मुख्य पंच चुन ले ताकि हमारा फैसला हो सके। बूढ़ी चाची ने कहा, पंचों का ना कोई दोस्त होता है और ना ही कोई दुश्मन होता है। अलगू चौधरी, तुम इसके बारे में क्या कहते हो? अब मैं तुम्हें अपना मुख्य पंच चुनती हूँ।
जुम्मन इस बात पे बहुत अधिक खुश हुआ कि चाची ने उसके दोस्त को मुख्य पंच चुन लिया। अब तो किसी बात की चिंता नहीं है, वह तो मेरे ही पक्ष में फैसला करेगा। अलगू ने कहा, चाची तुम हमारी दोस्ती के बारे में जानती हो, फिर भी मुझे मुख्य पंच चुन लिया। तब चाची ने कहा, मैं जानती हूँ कि तुम दोस्ती के लिए अपने जमीर का गला नहीं घोटोगे, तुम सच्चाई का साथ दोगे, और मैं जानती हूँ कि पंचों के अंदर भगवान का निवास होता है और कभी भी पंच कोई गलत फैसला नहीं कर सकते। अब पंचायत के सामने चाची ने अपनी पूरी समस्या को रख दिया। अलगू ने जुम्मन से कहा, जुम्मन तुम और मैं बहुत अच्छे और पुराने दोस्त हैं, तुम्हारी चाची मेरी भी चाची की तरह है, अब मैं मुख्य पंच हूँ, इसलिए चाची और तुम मेरे सामने बिल्कुल बराबर हो, तुम अपनी सफाई में क्या कहना चाहते हो? जुम्मन ने कहा, 3 साल पहले मेरी चाची ने अपनी संपत्ति मेरे नाम कर दी और मैंने कहा था कि जब तक वो जिंदा रहेंगी मेरे पास रह सकती है, और मैंने ऐसा ही किया, लेकिन मेरी पत्नी और मेरी चाची के बीच में कुछ झगड़े हो गए जिन्हें मैं नहीं रोक सकता। अब मेरी चाची मुझसे हर महीने का कुछ पैसा मांग रही है और ये मेरे लिए संभव नहीं है, यही मैं कहना चाहता हूँ। जुम्मन से अलगू और कई लोगों ने कई सवाल जवाब किए, फिर अलगू ने अपना फैसला सुनाया। हमने इस मामले को बहुत ही सावधानी पूर्वक देखा है और हमारे अनुसार जुम्मन को हर महीने कुछ पैसा चाची को देना चाहिए, वरना उसके पास जो जायदाद है वो चाची के पास वापस चली जाएगी। जुम्मन को विश्वास नहीं था कि उसका सबसे प्यारा दोस्त अलगू ऐसा फैसला सुनाएगा। अब ये दोनों दोस्त हैं, वो दुश्मन बन गए और इनकी जो दोस्ती थी वो पूरी तरह से टूट चुकी थी। लोग अब इनकी दोस्ती की नहीं दुश्मनी की बातें करने लगे और जुम्मन वास्तव में जब भी उसे मौका मिले तो अलगू से बदला लेना चाहता था। दिन बीतते गए और जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, दुर्भाग्य किसी के भी साथ आ सकता है। अब अलगू चौधरी का ये मुश्किल समय चल रहा था। उसके पास बैलों की एक जोड़ी थी, उनमें से एक बैल मर गया और दूसरा बैल जो है उसने समझू साहू जो उन्हीं के गांव में गाड़ी चलाता है उसको बेच दिया। और ये बात हुई थी कि समझू साहू जो है 1 महीने के अंदर इस बैल का पैसा दे देगा, लेकिन 1 महीने से पहले ही वो बैल भी मर गया। काफी समय बीतने के बाद में भी समझू साहू ने अलगू को पैसा नहीं दिया और अलगू जब उससे पैसा मांगता तो साहू उस पे बहुत अधिक क्रोधित हो जाता और कहता, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दूंगा उस मरे हुए जानवर के लिए, अगर तुम चाहते हो तो तुम मेरा बैल ले जाओ और 1 महीने उसे काम में ले लो और मेरे पास वापस छोड़ जाओ, तुम्हारे उस दुष्ट जानवर ने मेरे साथ में बहुत बुरा किया है, वो मेरे लिए दुर्भाग्य ही लेके आया है, कोई भी उस मरे हुए जानवर के पैसे नहीं देगा। अलगू ने सोचा, अब तो मुझे पंचायत में ही जाना पड़ेगा। कुछ ही समय बाद में पंचायत की तैयारियां हो गई और पंचायत के लिए सारे लोग पहुंचने लगे। उसी बरगद के नीचे पंचायत लगा दी गई और अलगू खड़ा हुआ और उसने कहा कि पंचों में ही भगवान का निवास होता है, तो मैं ये कहता हूँ साहू जिसको भी चुनना चाहे मुख्य पंच चुन सकता है, मुझे इसमें कोई भी आपत्ति नहीं है। साहू को अब मौका मिल गया, उसने जुम्मन का नाम आगे रख दिया। अलगू का जो दिल है वो पूरी तरह से बैठ गया, वो पूरी तरह से डर गया। उसने सोचा कि अब तो जुम्मन मुझसे बदला ले लेगा, लेकिन अब वो कुछ भी नहीं कर सकता था। लेकिन जैसे ही जुम्मन मुख्य पंच बना, उसको अपनी जिम्मेदारी और अपने पद का एहसास हुआ। उसे पता लगा कि इतने बड़े सम्मानित पद पे आके कोई भी अपने बदले के बारे में नहीं सोच सकता। उसके विचारों में पूरी तरह से बदलाव आ गया। वो अपनी निजी भावनाओं से पूरी तरह से ऊपर उठ चुका था और वो केवल सच बोलने के लिए पूरी तरह से तैयार था और न्याय को वो सुनाने के लिए पूरी तरह से
सक्षम बन चुका था। अलगू और साहू ने अपने अपने मामले पंचायत के सामने रखे गए और पंचायत के लोगों ने उनसे सवाल जवाब भी किए। उसके थोड़ी देर बाद में जुम्मन खड़ा हुआ और उसने घोषणा की, हमारे नजरिए से हमें ये लगता है कि साहू को उस बैल का पैसा अलगू को दे देना चाहिए। जब साहू ने वो बैल खरीदा था तो उसके किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं थी और वो बिल्कुल सही था। अब ये दुर्भाग्य की बात है कि वो बैल मर गया। इसके लिए अलगू पे कोई आरोप नहीं लगाया जा सकता। अलगू अपनी भावनाओं पे नियंत्रण नहीं रख पाया। वह खड़ा हुआ और उसने जोर से कहा, पंचायत की जीत हुई। पंचायत का फैसला हमेशा सही होता है। पंचों में भगवान का निवास होता है और पंचायत हमेशा सही फैसला करती है। सभी लोग पंचों के फैसले से पूरी तरह से संतुष्ट हो चुके थे। अब जुम्मन जो है वो अलगू के पास आया और उसे गले लगा लिया। उसने कहा, पिछली पंचायत में हम दोनों दुश्मन बन गए थे, परंतु आज की पंचायत में मैं समझ चुका हूँ पंच बनने की जिम्मेदारी क्या होती है। पंच ना तो किसी का दोस्त होता है और ना किसी का दुश्मन होता है, वो केवल न्याय को समझता है। आज के बाद में कोई भी व्यक्ति न्याय के रास्ते से बिल्कुल भी अलग नहीं हटेगा, चाहे वो किसी का भी दोस्त हो चाहे वो किसी का भी दुश्मन हो, और ये रिश्ते नाते कभी भी न्याय के बीच में नहीं आने चाहिए। अलगू और जुम्मन गले मिलके रोने लगे और वो बहुत दोनों खुश हुए। अब उनके आंसुओं के साथ में उनकी जो गलत फहमी थी वो भी बह चुकी थी। एक बार फिर से वो अच्छे दोस्त बन गए और पूरा गांव उनकी एक बार फिर से मिसाल देने लगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।